इन्नी सर्दी जो टूए कहने चला लिया देखो इन्नी सर्दी देख लो के भी बंदे देख लो काम नहीं छड़दे अपने। देखो ये इन्नी देख लो सर्दी है हर एक देख लो अपने पेट की खातर सारा बाहर निकल गया। मोटर देख लो सर्दी के मोटर चलना चाहिए देना भला स्पीड गोली चला ला पहली दफा ले यार हो रही मैं कह दिया एक अपने पेट की खातर देख ला सर्दी के बाहर निकलना पैंदा बंदे ने इन्नी सर्दी दे ला काम करना करा बहुत मुश्किल गल। अस्सलाम वालेकुम जी गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई न्यू व्लॉग उम्मीद करता सारे ठीक ठाक हो गए। अच्छा जी मैं आया जी बिचो दी अज बरसा दे लो बरसा ने कहता सर्दी खुश्क सर्दी की वजह दे लो बरसा किसी भी नहीं अज तुरन दे ऐरकी बी घोड़ा पाया कि ता कि सर्दियों में वाह ही होंगे तो ऐरकी वह भी नहीं हो देख सकते वो पाला देख लो किन्ने चिर बीजा असी लो वड भी लिया वो फिर भी उत्थे दुख गया। हाँ जी जी सुबह घड़ी हो गई है माशाल्लाह ते नए साल का माशाल्लाह आज पहला जुम्मा वा मेरी तरफ सारे जुम्मा मुबारक ते आज सर्दी भी बहुत आ हवा वगन दी है हवा ना कि सर्दी बहुत लगन दी है लोग इतने कट्टा बना ठंड नहीं लगन दी साढ़े मैं बिचो दी आया दाती दस्ताने लैके ता के रेड़ा गलाबू लैके आ टाइम कि 12 बज गए जी घरों लेट है ठंड ही बहुत हवा वो कि वगन दी है ठंड ठंड कि घरों निकल नहीं दी बंद देख लो तो मुरब्बे कोई बंदा नहीं लाइन दिखना सवाए मेरे तो लोग कहते टायर ना पट्ठे लै जाते हैं मैं थोड़ा लेट उठता हूँ धार कढ के सो जाना उस तो बाद मैं लेट उठता हूँ 10-11 बज जाते घर ही मैं इस वास्ते अज थोड़ा हो लेट हो गया 12 बजन वाले हुए तो जुम्मा भी सी मैं चलो पट्ठे वढ़ते हैं रेड़ा केड़ा आन दिया अपना पट्ठे वढ़ के आ माशाल्लाह वो बहुता होन दिया बरसन इस माशाल्लाह रूड़ी भी चंगी पाई सी दो दफा रूड़ी पाई इस खाद भी पाई आगड़ा हूँ पानी लाया खाद पा के पानी लाया तो बर्तन चंगा होया इन्हें 4 दिन कढ़ने उधर 2 कणा तो घट आ बर्तन तो उन्हें झटका ही खा कढ़ना एक हफ्ता एक मसा ही निकलना उन्हें तो यही है जो 4 दिन निकलने हैं इधर मशल लसन चेक करो थानू देखो मशल काला शाह मशाल बरसन लसन अपना सोरी बरसा निकल गया मूँह आ बूटा चेक करो मशाल लसन 2 दफा खाद पाती है बरसन तो 1 दफा ही पाई है
लसन दो दफा पाती है, पट्ठे भी अपने थोड़े ही रह गए है। देखो पट्ठे वड़ने हैं, पट्ठे जो साग सूग जो तोड़िया तुम चेक कर सकते हैं। इधर घर ने साग एक दफा तोड़ के पका लिया वा, तो घर जाके तो मैं दिखाऊंगा। फ्रिज साड़ी भर ली, फ्रिज है भरे ही पई है साग ना। उन्हें कसम सानू ईद गोश्त नहीं होंगे कि साग ने साग ने फ्रिज भरी है। तुम मैं जाके दिखाऊंगा, पट्ठे वड़ लिए तुम जाके। अच्छा यार मैं तो लसन दिखा के गांह चल गया पट्ठे वड्डन, तो मैं वैसे गौर नहीं की लसन दाना। वो तो अबू कद आया उन्हें देखा वा, तो लसन गया साडा पट्टिया गया ताज़ा ही पट्टिया कल का कि मेरे आने तो पहलों किसी ने पट लिया, तो जो कल का पट्टिया कल का पट्टिया लगता क्योंकि मेरे तो पहलों कोई आ नहीं सकता। तो इतने लागे हैगा जी भट्ठा, उत्थे लोग रेंदे आ ते घर बैठे है तीन चार इदा दे हरकत के देख लो करते हैं, तो गुस्सा भी बहुत होंदा वा। तो उन्होंने भी दफा किया नुकसान ना करया करो, पहले साग का कर दे तो हूँ कि लसन दुआले हुए है। तो मैं दिखा पट्टिया कि जगह वा, आ देखो इस जगह पट्टिया वा, इस जगह पट्टिया वा, इस जगह पट्टिया हो तो दिखा मैं इस जगह पट्टिया। तो आ देखो आ भी देख ला पट्टिया, लेकिन को पट नहीं होया, खिंचता रहा लेकिन पट नहीं होया। आ देखो तुम हो दिखा मैं आ देखो आ भी जगह पट्टिया, आ भी जगह पट्टिया, और भी तुम मैं दिखा। देखो ए जगह भी पट्टिया, ए जगह भी पट्टिया, आ दो पट्टे एक आ पट्टिया। आ भी पट्टिया, आ भी पट्टिया, आ भी पट्टिया। चलो साग तो चलो कोई नहीं, पट्ठे है वो वड लैने मुक जाने हैं। आ तो है कि असीं मजबूरी के तहत लाई, चलो साल भर खाना हुंदा वा, किते बाद साल बाद किते लाईदा वा, तो वह भी देख ला वो पट्टी जांदे है एडे कुड़ी चो लोग आ। गूं वर्गी चीज़ तो भी भैं चो घर चक के लै जांदे कि दस ये भैं चो हैगी कोई सोने की। इन्ना कसम गुस्सा चढ़न दिया वा, तो मैं कहते कंट्रोल ही किया अपने आप से। अगर वो मेरा बंदा हाथ आ गया ना तो मैं हशर नशर देख ही मैं की करता। इन्नी मेहनत ना कसम लाई दा लसन, अब तुम देख लो कि क्यारी देख लो असी लाई है। ये तो एवं लग जाता सौखा लग जाता वा, ये पहले चंगी तरह पदरा किया उस तो बाद लसन असी लाया। पोटे के दुखन लग पे लसन लाने, दो दफा इन्हें खाद पाती है, गोडी करती है, तीन चार दफा इन सुबह जी पाई है। साग कि हरे ती साग बनिया नहीं सी, वो गंदला हले बनिया नहीं सी, उन्होंने भी तोड़ी गए, वह भी तुम मैं दिखा। आज इतने घर आ दो बैठे का घर एक इधर बने दो तीन घर। आ देखो आ पुराना ताज़ा नहीं है, आ तो चलो ताज़ा ही है ना, ये तो चलो साढ़े घर ने हूं जो तोड़िया। आ देखो आ सो गया बच्चे, आ देखो आ देखो आ देखो साढ़े कि घर दे ना वो पट्ठे असं कदों व्ढी देना ना वो पिछों कट के लै जाते, वह नहीं कभी बिच वार के उन्हें तोड़िया, अगे अगे रहा है वो। अज मैं हूँ तोड़ के मैं घलाता मैं फिर किसी ने वड़ जाना वा तो वह तोड़ लेना वा, तो साढ़े कि घर दे नहीं बिच वार के तोड़ दे, उन्होंने पता वा कि असं दोबारा भी तोड़ना वा।
इस वजह ना वो पट्ठे असी कितों वढ़ी रहे पिछों ही कढ के लै जांदे आ ते जिहड़े दूसरे चोर होंदे उह विच ही वड़ गए तबाही फेरती उह नुक्कड़ सारी उहनां ने किसे भन्नी सी आ साल बाद के खाना हुंदा कच्चा ही तोड़ी जांदे इह नहीं चल पक्या होवे नहीं कच्चा ही तोड़ी जांदे दस कच्चे दा की खाना इहदा इन्ना गुस्सा आउंदा मैं तो गौर ही नहीं कीते मैं तो सीधा आ गया मैं तुहानूं लसन दिखाया मैं कहा माशाला देखो लसन तो पता नहीं माशाला किसी ने तोड़िया भी सी वो दूसरे बंदे भी वो तो लाया मेरा कजन है वो पट्ठे आ उहदा भी किसी ने तोड़िया वो भी वह पथेड़े लगे आ ईटा पत्थर उन्हां दुआले होया कहिंदा तुसीं मेरा लसन भन्नी जाते फिर मानते भी नहीं आ फिर भी नहीं कहते असी देखिया कि नहीं नहीं कहते असी तो देखे ही नहीं तो तोड़िया ही नहीं अभी तो कहते 24 घंटे काम तो होता असी तो तोड़ीदा ही नहीं है फिर एक होर गल फिर ना इतने धी जाए लटरीन वो पट्ठे ने बनाई वो मालक हैगा वा तो उन्हें अल आ के बिठा दते तो ना लटरीन बनाई ना वो वट देखते ना वो देखते इतों लंघना वा तो चलो वट ही कोई सैड तो हो हग लीए वो कितने लंघना होंगे उत्थे हग दे उत्थे अगे पैरियां ने बेच के पट्ठे वढ़ी तो उत्थे हगी जांदे धी जावे ना ना शर्म हजा ना होर चलो फसलां मतलब हट के कितने बंदा दूर जा के बंदा हग लवे वो थोड़ी जगह वो सारा किला जिहड़ा खाली पिया वो ईटा पत्थर दे उत्थे सैड ते उत्थे भैं बह के पत्थे करी जान योग करना इतने फसल लागे पट्ठे होंगे या डंगर ने खाने होंगे बेजमान उन्हें कहा मूँह बोल के कहना वा गंदा वा उत्थे धीजे हिग हगी जाते ना इन्हें धीजे शर्म हजा ना होर की इन्हों का बंदा का इलाज करे जाना ऐसे इदा गल मंदा करके चल जाएगा लेकिन उन्होंने असर नहीं खाते गैरतमंद हो लगे वो गैरतमंद है ही नहीं उन्हें पैदा ही नहीं हुई इन्हें पिछले साल एक बंदा पट्ठे वढ़दा ही उन्होंने मैं एक दफा कहा लेकिन वो गैरतमंद से वो हट गया वो नहीं दोबारा आया एक दफा फिर कहांगे पट्ठे के मालक ना कि इन्हू जा तो इन्हें हटा ला तो नहीं तो किदा मैं फड़ लिया तो मैं इन्होंने बजाना बहुत मैंने कुछ गुस्सा आया मैं नहीं देता छोटा मेरे तो व्डा वा मैं फिर वो मैं करदा हाँ बहुत हूं इस टाइम कि मेरा फस गया हाथ कि लग गया तो जो नहीं तो मैं नहीं मैं फड़का धी जाए इन्नी मेहनत की भैं जो जे साढ़े नसीबा ही ना हो फायदा कोई फायदा है इस चीज़ लोन का कहलो उधरले बंदे क्या बरसा से अभी उत्थे लाया उत्थे लसन लाया से लै वो पाले बने मोटर जो पाले बने बाधी है वो सारे पट के लै गए वो कोई दाना भी नहीं छड़िया हार के कितों पक्या वो किलो साढ़े हाथ आया बाकी सारे लोग लै गए तो ऐर कि उत्थे साग ही किसी ने भी छड़िया साग ही वो तुहानूं मैं दिखाउणा सी तो विच गेड़े साग के बूटे मैं छड़े से कि सुड़ बन जूगी वो भी नहीं छड़े वो भी लै गए धो गए ये आज पाकिस्तान कौम है कुल्लू खदाम्बी उदा कोई कह देना मुसलमान अलहमदुल्ला मुसलमान से तो चोरी का वज के ना करा लो कि मजे तो हूँ चलने जी घर तो जुमा गड़ा स्टार्ट हो गया जान के लिए पहली जान के लिए हो गई है तो जाके जुमा पढ़ते हैं मैं तो गौर ही नहीं कितने अबू आया उन्हें कहा कि लसन पट्टिया ताज़ा ही किसी ने इन्हों का इलाज यही है कि एक तो लत च फैल फोकया उस तो बाद ये नहीं इतने वड़ सकते लेकिन असं कही चलो याद इतने बैठे है कि इन्हें कहना
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਨਾ ਮੁਰੱਬੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁੱਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਬੇੜਾ ਗੜਕ ਹੀ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਲੀ ਜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਆ ਹੁਣ ਆਹ ਪਿਆਲੀ ਕਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੀਵੀਂ ਫੁੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਲੇ ਬੰਨੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਆ ਪਿਆਲੀ ਡੂੰਘੀ ਆ ਉਹ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਆ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ ਬਥੇਰੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ ਬੇੜਾ ਗੜਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਲੀਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਭੱਠੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੁੰਮਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜੁੰਮਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ ਬਾਕੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਓ ਸਕੂਨ ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ